नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। दोस्तों, म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे फेमस सम्मान में से एक ग्रैमी अवार्ड के 66वें एडिशन के विनर के नाम सामने आ गए हैं। ग्रैमी अवार्ड को लेकर काफ़ी दिनों से चर्चाएं भी चल रही थी। इस अवार्ड की दौड़ में भारत के भी कई सिंगर शामिल थे। ग्रैमी अवार्ड 2024 में एक बार फिर भारत का परचम लहरा है। भारत के लिए बेहद ही खुशी की खबर आई है। इस बेहद सम्मानित पुरस्कार समारोह में भारत ने कई अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं। इस बार ग्रैमी अवार्ड में इंडिया का जलवा रहा है। लॉस एंजल्स में आयोजित इस अवार्ड शो में भारतीय को एक नहीं बल्कि दो ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। इस साल ग्रैमी अवार्ड में भारत को गर्व करने का मौका मिला है। रविवार को लॉस एंजल्स में हुए 66वें ग्रैमी पुरस्कार में भारत ने 3 अवार्ड अपने नाम कर लिए हैं। सिंगर शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन समेत 4 म्यूजिशियन ने ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किया है। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट ने ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किया है। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारतीय संगीतकार और ग्रैमी विजेता रिकी क्रेज ने एक वीडियो साझा करके बैंड को बधाई भी दी है। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि शंकर के बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का खिताब मिला है। इस फ्यूजन बैंड ने बोकाते, सुजाना बाखा, टेविटो और बर्नाबे जैसे कलाकारों को टक्कर दी। बता दें कि ये एल्बम पिछले साल 30 जून को रिलीज हुआ था, जिसमें कुल 8 गाने हैं। देश के बेहद फेमस बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के बेटे राकेश चौरसिया ने भी ग्रैमी अपने नाम किया है। उन्हें 2 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार हासिल हुआ है। तो सभी ग्रैमी विजेताओं को खबरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं एवं बधाई। तो ये थी खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।